वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। कंगना रनौत, बीएमसी, उद्धव ठाकरे और शिवसेना, पिछले कुछ हफ्तों से ये नाम लगातार आपके और हमारे कानों में पड़ रहा है, क्योंकि कंगना बनाम शिवसेना की तकरार कुछ ज्यादा ही जोर पकड़ती नजर आ रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस जंग में कंगना का पड़ा भारी पड़ गया है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि बीएमसी की कार्रवाई जो थी, जिसके तहत कंगना का मुंबई वाला ऑफिस गिराया गया था, वो गलत भावना से प्रेरित थी। क्या है पूरा मामला और क्या कहा है बॉम्बे हाईकोर्ट ने, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हेलो एवरीवन, मैं अपनी फिल्म तलाईवी की शूटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी, उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाईकोर्ट की। एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है, इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है, तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है। सो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई फ्रेंड्स हु गेव मी करेज एंड टू दोज हु मेड फन ऑफ मी लाइट about the illegal demolition and said that it was a legal act. No, it wasn't. I want to thank those also who played villains, because it's only because of them I can play a hero. Thank you. कंगना रनौत बनाम बीएमसी की तकरार में फिलहाल पलड़ा अभिनेत्री कंगना रनौत का भारी पड़ता नजर आ रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी के 7 और 9 सितंबर के नोटिस को दुर्भावनापूर्ण बताया है और साफ कहा है कि अभिनेत्री का मुंबई ऑफिस गलत इरादों से गिराया गया था। कोर्ट ने एक वैल्यूअर की नियुक्ति का भी आदेश दिया है, जो इस तोड़फोड़ की कार्रवाई से हुए नुकसान की रिपोर्ट हाईकोर्ट को देगा। माना जा रहा है कि इसके बाद हो सकता है कि हाईकोर्ट बीएमसी से कंगना को हर्जाना देने के लिए भी कह सकती है। हालांकि हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को सार्वजनिक मंच पर विचारों को रखने में संयम बरतने को कहा है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि किसी राज्य द्वारा किसी नागरिक की गई गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। हाईकोर्ट के इस फैसले को उद्धव ठाकरे और शिवसेना से जारी कंगना की तकरार में कंगना की फौरी जीत के रूप में देखा जा सकता है। गौरतलब है कि पहले सुशांत सिंह राजपूत और फिर अर्नब गोस्वामी के मामले में कंगना लगातार शिवसेना और बीएमसी के साथ ही ठाकरे परिवार के खिलाफ बोलती रही हैं, जिसके बाद कभी शिवसैनिक उन्हें धमकाते हैं तो कभी बीएमसी और मुंबई पुलिस से अलग अलग मामलों में उन्हें नोटिस भेजी जाती है। बीएमसी का कंगना के ऑफिस को यूं तोड़ना भी बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा था। हाईकोर्ट की ताजा टिप्पणी ने बीएमसी पर लगने वाले आरोपों के स्वर को और भी मुखर करने की जमीन तैयार कर दी है। कंगना और बीएमसी विवाद पर हमारी यह खबर आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़ी हर खबर जानने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।